क्लास 11th। आपका चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, और उसके अंदर लिक्विड्स, और लिक्विड्स के अंदर हम जो फॉर्मूला आपके पास लेकर चल रहे हैं वो है पॉइज़ी यूलीस फॉर्मूला। देखो इसको आप थोड़ा समझ कर चलो। आपने एक कैपिलरी ट्यूब ली, इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस होगा आपके पास आर, लेंथ होगी आपके पास एल। इस ट्यूब के अंदर आप किसी लिक्विड को अगर फ्लो कराते हो तो जो लिक्विड आप फ्लो कराओगे उसकी विस्कोसिटी होगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना होगा आपके पास, एटा। अब पॉइज़न फॉर्मूला हमसे कहता है कि इस कैपिलरी ट्यूब से जो भी वॉल्यूम फ्लो करता है पर सेकेंड, आप उसे वी कह दीजिए, ये बेसिकली वॉल्यूम पर सेकेंड है, ये डिपेंड किसी चीज के ऊपर करेगा। तो आप कहते चलोगे कि वॉल्यूम आपका डिपेंड करेगा सबसे पहले तो जिस एंड से जिस एंड तक आपने लिक्विड को फ्लो कराना है इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है, प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कितना है। जैसे कि अगर आपको ज्यादा दूर तक अगर लिक्विड को फ्लो कराना पड़ेगा तो इन दो एंड्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस आपको ज्यादा क्रिएट करके रखना पड़ेगा, और ज्यादा इतना प्रेशर होना चाहिए कि दूर तक लिक्विड आपका फ्लो कर जाए। तो ये डिपेंड करता है आपका प्रेशर पर यूनिट लेंथ पर, ये वॉल्यूम डिपेंड करता है आपके पास ट्यूब की रेडियस कितनी है, रेडियस की बात भी पर, और ये जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब कैसा लिक्विड आप फ्लो करा रहे हो उसकी पावर आपके पास सी पर डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम आपका प्रेशर पर यूनिट लेंथ की पावर ए पर, रेडियस की पावर बी पर, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा की पावर सी पर डिपेंड करता है। प्रोपोर्शन की जगह अगर आप इज इक्वल टू का साइन लगाओगे तो ये होगा प्रेशर पर यूनिट लेंथ की पावर ए, रेडियस की पावर बी, और एटा की पावर कितना होगा आपके पास में सी, और एक कांस्टेंट आपके पास में किया जाएगा, यहां आप लिख दोगे के इज ए डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है बेटे, अब देखो राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, आपने बोथ साइड्स डायमेंशंस लिखी बेटे, वी है आपका वॉल्यूम पर सेकेंड, तो आप इसे वॉल्यूम ट्रीट नहीं करोगे, वॉल्यूम पर सेकेंड ट्रीट करोगे। वॉल्यूम होता है एल क्यूब, पर सेकेंड का मतलब होगा आपके पास में टी। अब जो आपके पास में के है उसकी कोई डायमेंशन नहीं है तो आप उसको नहीं लिखोगे, और प्रेशर पर यूनिट लेंथ, तो बेटे प्रेशर कितना होता है आपके पास में फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर की जो डायमेंशंस होती हैं वो होती हैं आपके पास, देखो बेटे निकाल कर देख लो, प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होगा एम एल टी माइनस टू, और एरिया होगा आपके पास एल टू, तो ये कितना होगा आपके पास एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये प्रेशर की डायमेंशंस होंगी, अपॉन में कितना आपके पास में लेंथ है, लेंथ की डायमेंशंस होंगी कि पावर ए है। रेडियस होती है आपके पास लेंथ की यूनिट, तो लेंथ की पावर बी होगी, और एटा होता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन की पावर कितना होगा आपके पास सी होगा। तो बेटे बन गया एल क्यूब टी माइनस वन इज इक्वल टू, ये होगा बेटे एम की पावर ए, एल की पावर माइनस का टू ए, टी की पावर माइनस का टू ए, एल की पावर बी, एम की पावर सी, एल की पावर माइनस सी, और टी की पावर कितना होगा माइनस का सी होगा। बेटे आप लिखोगे m की पावर 0 l क्यूब t माइनस 1 इज इक्वल टू m की पावर, m की पावर a भी है और c भी है, l की पावर माइनस का 2a भी है, b भी है और माइनस का c भी है, और t की पावर माइनस का 2a है और माइनस का c है। ठीक है बच्चों, अब आप इसको कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑफ लाइक टर्म्स, अगर आप लाइक टर्म्स की पावर को कंपेयर करोगे तो जीरो आपके पास ए प्लस सी के इक्वल होगा, आपके पास क्यूब जो होगा माइनस का टू ए प्लस बी माइनस सी के इक्वल होगा, और माइनस वन जो होगा आपका वो माइनस का टू ए माइनस सी के इक्वल होगा। बेटे यहां से अगर आप देखो तो सी की वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास माइनस का ए, अब सी की वैल्यू आपके पास माइनस का ए निकली है, सी की जगह पर आप माइनस का ए डाल दोगे तो हो जाएगा प्लस ए, ये होगा प्लस ए, प्लस ए और माइनस का टू ए कितना बन गया आपके पास माइनस का ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री, तो आपने क्या लिखा माइनस का ए
प्लस बी इज इक्वल टू 3 और माइनस का 2a, c की जगह आपने माइनस से पुट किया तो बन गया प्लस का a इज इक्वल टू कितना है माइनस का 1, तो माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 1, तो a इज इक्वल टू 1, a की जगह 1 पुट करोगे तो b इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में 4, a 1 है, c कितना है माइनस 1 है, तो आपके पास c इज इक्वल टू कितना होगा आपका माइनस 4, a कितना c माइनस 1, a की जगह 1 पुट करोगे c कितना होगा आपके पास माइनस का 1 होगा। अब ये जो आपके पास ए बी सी की वैल्यूज निकली हैं, आप इन ए बी सी की वैल्यूज को पुट कर दीजिए जो भी आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में जब आप पुट करोगे तो वॉल्यूम वी इक्वल्स टू के पी अपॉन एल की पावर ए जो कितनी आपके पास में 1 है, रेडियस की पावर बी जो कितनी निकली आपके पास में 4 निकली है, और एटा की पावर है सी, सी कितना निकला आपके पास में माइनस का 1 निकला है। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम वी इज इक्वल टू के P अपॉन L प्रेशर पर यूनिट लेंथ की पावर 1, रेडियस की पावर 4 और एटा की पावर कितना आपके पास माइनस का 1 है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। देखो बेटे अब हम आपको सिखाएंगे स्टोक्स लॉ। देखो बेटे स्टोक्स लॉ में क्या होता है, एक आपके पास स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल जिसकी डेंसिटी आप रो या सिग्मा से कोई भी डिसाइड कर सकते हो, तो आपने कहा कि ये ज्यादा डेंसर है, इसकी डेंसिटी को सिग्मा, और जिस लिक्विड के अंदर ये बॉल आपका मूव करती है उसकी डेंसिटी को हम लोग रो लेट कर लेते हैं। ये बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसका वेट कितना होगा आपके पास में एम जी, इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर, तो ये लिक्विड की लेयर्स को हटाती हुई मतलब ड्रैग करती हुई जगह बनाती हुई नीचे जाएगी, तो जब ये नीचे जा रही होगी तो इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक्ट करेंगे दो फोर्स, एक फोर्स तो होगा बॉयंट फोर्स और एक फोर्स होगा आपके पास बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। देखो बॉयंट फोर्स हर लिक्विड की प्रॉपर्टी है और विस्कोसिटी दो लेयर्स के बीच की प्रॉपर्टी है जिसमें दो लेयर्स अपने बीच के होने वाले मोशन को अपोज करती हैं, और बॉयंट फोर्स क्या है कि जब आप लिक्विड को डिस्प्लेस करते हो तो चेंज इन वॉल्यूम, जो भी लिक्विड के वॉल्यूम के अंदर आप चेंज करोगे हटाओगे जितना वॉल्यूम आप हटाओगे तो वो आपका अपोज करता है इस चेंज को, और एक बॉयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है बॉडी के ऊपर। अब देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट कितना है आपके पास एम जी, ऊपर की तरफ आपके पास में जो विस्कस फोर्स लग रहा है ये है एफ बी, और पॉइंट फोर्स से कितना आपके पास में एफ बी। देखो अभी हम आपसे जो बात करेंगे इस विस्कस फोर्स के बारे में बात करेंगे, तो ये जो विस्कस फोर्स होता है ये डिपेंड करता है बॉडी किस लिक्विड के अंदर मूव करती है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट विस्कोसिटी ए पर, रेडियस की पावर बी पर, और टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिस पर बॉडी बिना किसी एक्सीलरेशन के इजीली धीरे धीरे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाती है उसकी पावर सी पर। अब बच्चों देखो आपके पास ये जो आपका विस्कस फोर्स है के टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा की पावर ए, रेडियस की पावर बी और वेलोसिटी की पावर क्या बन जाता है आपके पास सी बन जाता है। वैल्यूज पुट करो, योगा एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हटा दो, एटा होगा आपके पास एम एल माइनस वन टी माइनस वन की पावर कितना होगा ए, रेडियस होगी एल की पावर होगा वी, और ये वेलोसिटी होगी एल टी माइनस वन की पावर कितनी होगी आपके पास में सी। देखो बेटे आपके पास कंपेयर करो एम एल टी माइनस टू एम की पावर ए, एल की पावर माइनस का ए प्लस का बी और प्लस का सी, और t की पावर है माइनस का a और माइनस का c। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट कंपेयरिंग पावर्स ऑफ लाइक टर्म्स, तो आपने कहा कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ लाइक टर्म्स, अब कंपेयर करो पावर्स ऑफ लाइक टर्म्स, तो m की पावर 1 इज इक्वल टू a होगा, 1 इज इक्वल टू होगा माइनस का a प्लस का b प्लस का c, और माइनस का 2 होगा माइनस का ए और माइनस का सी। देखो बेटे ए आपके पास में जो निकला ए की वैल्यू निकली है आपके पास 1, ए को 1 पुट करोगे तो यहां से सी निकल कर आएगा वो भी 1, अब ए भी 1 है सी भी 1 है, ए और सी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहां से बी की वैल्यू भी कितना निकलेगी आपके पास में 1, तो ये जो विस्कस फोर्स एफ निकला ये निकलेगा k टाइम्स एटा की पावर 1, रेडियस की पावर 1 और वेलोसिटी की पावर 1।
देखो बेटे, आपने क्या लिखा, प्रैक्टिकली। जब आपने प्रैक्टिकल्स किए तो प्रैक्टिकली जो के निकल कर आया ऑन ऑब्जर्वेशंस, इस के कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास 6 पाई निकल कर आई। अब जब आपने एक्सपेरिमेंट किए थे तो ये 6 पाई निकल कर आई, तो विस्कस फोर्स आपका 6 पाई एटा r v बन गया। अब ये टर्म में वेलोसिटी भी आपको फाइंड आउट करनी होती है। अब इसको ना आगे यूज करेंगे। देखो मैंने क्या कहा, मैंने ये बोला कि भाई मेरे पास, मेरी थर्ड शीट है, देखो मैंने ये कहा कि भाई मेरे पास में ऊपर लग रहा है विस्कस फोर्स और बॉयंट फोर्स दोनों मिलकर बॉडी के वेट को बैलेंस करते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये है विस्कस फोर्स और ये है बॉयंट फोर्स, और दोनों मिलकर बॉडी के वेट एमजी को बैलेंस करते हैं, जिससे कि बॉडी बिना किसी एक्सलेशन के, एक्सलेशन के लिए विदाउट एक्सलेशन मतलब ए जीरो, दोनों फोर्स जब इस वेट को बैलेंस कर लेंगे तो अब इस बॉडी पर ना जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लगेगा, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। इस केस में बॉडी ने जो वेलोसिटी एक्वायर कर ली है ना तो वो इंक्रीज होगी और ना ही वो डिक्रीज होगी। इस वेलोसिटी को बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। देखो जी, तो अब हमारे पास में ये फोर्स है हमारा 6 पाई एटा r v। बॉइंट फोर्स कितना होता है, जो भी वॉल्यूम है बॉडी का 4/3 πr³। हटाया किसने, इसने लिक्विड को हटाया है, तो लिक्विड की डेंसिटी कितनी हो गई आपके पास में रो, और ग्रेविटी के लिए आपने क्या लिख दिया जी, 4/3 πr³ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, इसका फोर्स हो गया पॉइंट फोर्स। अच्छा जी, इज इक्वल टू बॉडी का वेट कितना होगा, वो होगा 4/3 πr³। बॉडी की डेंसिटी कितनी है आपके पास में सिग्मा, और आपके पास में साथ में क्या आ गया, आपके पास में जी आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये एमजी हो गया, बॉडी का मास हो गया 4/3 πr³ इनटू सिग्मा, और साथ में कितना आपके पास में जी है। अब देखो हमें 6 πa r v को अपने पास रखा, उधर से हमने 4/3 πr³ और g एक साथ रखे, यहां लिख दिया सिग्मा माइनस रो। देखो बेटे, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, 2 2 4 2 3 6, आपके पास टर्म में वेलोसिटी हो गई, r से आपका r कट गया r² टर्म वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2/9 सिग्मा माइनस रो r² g अपॉन में कितना है आपके पास में एटा, ये आपकी टर्म में वेलोसिटी v का फॉर्मूला हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा बेटे। अगला टॉपिक समझ के चलेंगे, इस टॉपिक को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखो बेटे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब है आपके पास, सपोज करो एक ट्यूब है जिसका एरिया चेंज होता है विद आपके पास में लेंथ, लिक्विड जो एंटर करता है उसकी वेलोसिटी v1 होती है, क्योंकि आपने एरिया चेंज किया है, या तो एरिया इंक्रीज किया है आपने या एरिया आपने डिक्रीज किया है, तो अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है कितना, v2। जिस जगह एंटर करता है वो है एरिया 1, और जहां से बाहर निकलता है वो है आपके पास एरिया 2। हम ये मान के चलते हैं कि इसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहती है, डेंसिटी इसकी चेंज नहीं हो रही है आपका, जो लिक्विड आपका एंटर करता है वही लिक्विड आपका बाहर निकल रहा है। उस केस में क्या होता है, बहुत अभी तो आपको बहुत लग रहा होगा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे इसका यूज किया जाता है, और इसकी इसको पाइपिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और विस्कोसिटी वगैरह का आपको क्वांटिटी का बर्नौली थ्योरम का आपको यूज अगर पता है अच्छे से, तो आप उसमें जब पाइपिंग वगैरह के डिजाइन करते हो तो आपको बहुत अच्छी जॉब्स वगैरह मिलती हैं, और उसके अंदर काफी अच्छा सैलरी पैकेज भी होता है। अब देखो सुनो क्या होगा, हमसे कहते हैं जो भी आपके पास मास लिक्विड का एंटर करेगा, मास लिक्विड का एंटरिंग इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटे, मास लिक्विड का लिविंग। जितना मास लिक्विड का एंटर करेगा उतना ही मास लिक्विड का लीव करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि मास m1 इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, मास m2 होगा। अच्छा, मास होता है आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम 1 इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम 2 डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम डेंसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही, तो वॉल्यूम 1 किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम 2 के इक्वल हो गया। ठीक है जी। अच्छा देखो, वॉल्यूम होता है आपके पास π r² h, तो π r² क्या बन गया आपके पास एरिया, और h क्या बन गया आपके पास लेंथ बन गई, तो a₁ l₁। ठीक है जी, इज इक्वल टू कितना बन गया आपके पास, a₂ l₂ बन गया।
ठीक है बेटे, अब देखो लेंथ होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो A1 V1 इनटू T इज इक्वल्स टू कितना बन गया, A2 V2 इनटू T बन गया, और टाइम आपके पास सेम हो तो आपके पास A1 V1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास A2 V2। तो A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, ये चीज कहलाती है आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सिंपल बेटे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। तो बेटे बर्नौलीज थ्योरम देखो, बर्नौलीज थ्योरम हमारे को ये बताती है कि, यहां समझिए पहले इसका स्टेटमेंट समझिए, कि फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द टोटल एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी होती क्या है आपके पास, ये टोटल एनर्जी होती है सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड में किसी से चले जाओ तो टोटल एनर्जी जो कि समय इन तीनों का आपके पास में रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत सिंपल सी थ्योरम है, इसको ऐसा भी कहते हैं कि प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड प्लस काइनेटिक हेड, ये आपके पास कांस्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब इसको करने का तरीका समझो, बहुत आसान से तरीका सिखाऊंगा आपको। आपने एक ट्यूब ली जिसकी ना केवल एरिया चेंज हो रहा है बल्कि हाइट भी चेंज हो रही है। ग्राउंड से इसकी हाइट है h1 और ग्राउंड से इसकी हाइट है h2। ये एरिया वन है, ये आपके पास एरिया टू है। ठीक है बेटे, लिक्विड यहां से एंटर करता है और यहां से लिक्विड आपके पास बाहर निकलता है। अब आपको इतना पता है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मास m1 इज इक्वल टू मास m2 इज इक्वल टू कितना होगा, जो भी मास एंटर करता है वही मास आपका बाहर निकलता है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। अब मास आपके पास में होता था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये होता था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होगा m। तो वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू मास अपॉन में कितना होगा आपके पास, डेंसिटी बन गया। कि मतलब वॉल्यूम 1 को भी देखो तो मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम 2 भी जो होगा मास अपॉन डेंसिटी होगा। अब देखो वॉल्यूम होता है आपके पास एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया इनटू लेंथ, लेंथ होती थी आपके पास में वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम को हमने क्या लिया 1 सेकंड लिया, तो हमने पर सेकंड की बात की है। तो ये कितना होगा आपके पास एरिया टू वेलोसिटी टू, और ये टाइम कितना होगा 1 सेकंड होगा, इज इक्वल टू कितना होगा मास अपॉन में कितना होगा आपके पास डेंसिटी होगा। इसको पहले आपने बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो सुनो, आपके पास ये हाइट h1 ज्यादा है या h2 ज्यादा है, तो आपको अगर h2 ज्यादा है तो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम होगी। इसके अलावा ये यहां से लिक्विड एंटर करेगा तो यहाँ इसका एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, और यहाँ इसका एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और यहाँ काइनेटिक एनर्जी आपके पास में कम होगी। तो दो एनर्जी में चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। अब देखो हमने क्या करा, इसकी फिगर को सामने रखते हुए, किसी फिगर को सामने रखते हुए अब हमें इसके बारे में लिखना शुरू करा। हमने लिखा सबसे पहले वो शीट है हमारी है, सबसे पहले हमने लिखा आपके पास में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा आपके पास, mg हाइट h2 में से mg हाइट आपके पास h1 माइनस कर दीजिए। आपने कहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी आपके पास हाफ मास आपके पास में कितना है m, वेलोसिटी v2 का स्क्वायर माइनस में कितना होगा हाफ m, वेलोसिटी कितना होगा v1 का स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा देखो अब आपके पास जितना आपके पास देखो वर्क डन,
वर्क डन जो होगा आपके पास ये होगा नेट वर्क डन इन एंटरिंग द लिक्विड माइनस नेट वर्क डन व्हेन लिक्विड इज लीविंग। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? भाई वर्क डन होता है आपके इसमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहां भी कितना होगा आपके इसमें फोर्स इनटू कितना होगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो फोर्स है ये फोर्स कितना होगा आपके पास प्रेशर पी वन इंटू एरिया ए वन, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वेलोसिटी वी वन इंटू टाइम टी, टी कितना 1 सेकेंड है आपके पास। फोर्स एफ टू कितना होगा आपका प्रेशर पी टू और एरिया ए टू, और डिस्टेंस कितना होगा आपके पास वेलोसिटी वी टू इंटू टाइम कितना होगा आपके पास में टी। तो देखो अब आपके पास पी वन ए वन वी वन माइनस में कितना है पी टू ए टू वी टू। अब ए वन वी वन ए टू वी टू आपने थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था कि ए वन वी वन ए टू वी टू हमारे पास एम अपॉन में हुआ है, आपने ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी, ये होगा m अपॉन में रो वेलोसिटी v1, और ये आपके पास m अपॉन में रो वेलोसिटी कितना आपके से v2 है, कितना आपके से वर्क डन है। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे कि फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगी आपके पास वर्क डन। तो चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में चेंज क्या क्या था आपके पास, आपके पास था एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। ठीक है जी, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज था, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज था हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज था इज इक्वल टू वर्क डन कितना आपका एम अपॉन रो वी वन माइनस एम अपॉन रो वी टू। अब देखो आप वन वाले टर्म्स को एक तरफ रख लीजिए और टू वाले टर्म्स इधर ले आइए, तो होगा आपके पास एम जी एच टू प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस एम अपॉन रो वी टू इज इक्वल टू कितना आपके पास, इस वर्ग से उधर लेके चले जाइए आप, कितना होगा आपके पास एम जी एच वन प्लस हाफ एम वी वन का स्क्वायर, और प्लस में कितना होगा आपके पास में एम अपॉन रो, और वेलोसिटी कितनी है आपके पास वी वन। तो देखो टोटल एनर्जी जो पहले थी, टोटल एनर्जी जो बाद में है, टोटल कैसी है आपके पास में कांस्टेंट है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, और ये है आपके पास में प्रेशर एनर्जी। ठीक है, इन तीनों का सम कैसा आपके पास हमेशा कांस्टेंट है। देखो बेटे अब हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं वो हमसे कहते हैं टॉरी सिल्लीज थ्योरम। देखो टॉरी सिलीज थ्योरम से क्या कहती है कि सपोज करो कोई आपके पास में कंटेनर है, और इस कंटेनर में आपके पास कोई लिक्विड भरा है। अब आपके पास में एक ऑरिफिस है जिसमें आपके पास इस ऑरिफिस की हाइट आपके पास स्मॉल एच है, और इसके ऊपर की जो हाइट है वो आपके पास, चलो इसको एच डैश कहते हैं, इसको स्मॉल एच कह देते हैं आपके पास। ठीक है, अब देखो यहां से यहां पर एक होल है, तो ये लिक्विड आपके पास यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो लिक्विड जब बाहर निकलेगा तो लिक्विड की वेलोसिटी कितनी होगी वी। इस जगह से लिक्विड जब नीचे आना शुरू होगा तो जो उसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज किया होगा वो सारा यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड की थी वो थी एम जी एच, और जब ये बाहर निकला तो कितना हो चुकी होगी वो हाफ एम स्क्वायर। जब तक यहाँ से बाहर निकलता रहेगा उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि आपके पास पता ही है आपका कि जो आपका जितना मास ऊपर से नीचे आएगा कम होगा उतना ही मास आपके पास में बाहर निकलेगा, तो उस मास की पोटेंशियल एनर्जी और उस मास की काइनेटिक एनर्जी आपके पास सेम रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो सबसे पहले आपके पास एम से एम कैंसिल आउट हो गया, और टू जी एच का स्क्वायर रूट आपके पास वेलोसिटी बन जाती है। अब बेटे जब ये लिक्विड यहां से बाहर गिरेगा तो लिक्विड कुछ इस तरीके से बाहर निकलेगा, और मैं ये कहता हूं कि ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो कितना होगा आपके पास एस होगा। अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, और ये जो इसने नीचे की तरफ गिरना शुरू किया, नीचे की तरफ गिरते समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, नीचे वाली वेलोसिटी जीरो थी, आगे वाली वेलोसिटी भी थी, नीचे वाली वेलोसिटी जीरो थी, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो थी। तो आपके पास जो हाइट एच डैश है ये होगा 0t प्लस में कितना होगा आपके पास हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहां से 2h अपॉन में g का स्क्वायर रूट जो होगा वो आपका टाइम t निकल कर आ गया, इतनी देर में लिक्विड आपके पास नीचे पहुंचेगा।
देखा क्लियर है। अब मेरे को टाइम पता है, वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस में बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। मेरा जो डिस्टेंस होगा एस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। मेरी वेलोसिटी है रूट के अंदर 2gh, ठीक है बेटे। और मेरा जो टाइम है वो है मेरे पास रूट के अंदर 2h' / g, रूट के अंदर 2h' / g। बेटे मैं इसको एक ही रूट में लिख दूंगा, 2gh और 2h' / g। इसमें ये दो टू हैं तो टू बाहर आ जाएगा, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट के अंदर h h', ये वो डिस्टेंस निकल कर आएगा। तीन फॉर्मूले काम के निकले, जिस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा वो रूट के अंदर 2gh होगी, जो इसको टाइम लगेगा नीचे गिरने में रूट के अंदर 2h' / g होगा, और जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 2 टाइम्स रूट के अंदर h और h' होगा। बच्चों इस वीडियो को लाइक करना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम की है, किसी के भी काम की है, और तो शेयर करना भी जरूरी है, और सब्सक्राइब करना तो आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आप सब लोग इसको अभी सब्सक्राइब करेंगे, आप अभी फौरन सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद कोई दूसरा काम कीजिएगा। थैंक यू सो मच।